या वो कैसे लेंगे या क्या करेंगे? Because हम इस वक्त प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये फिल्म देखें, और अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट पर्सन इसको रोकने की कोशिश कर रहा है तो हम हमारे जो लीगली जो पॉसिबल है वो हर रास्ता हम अख्तियार करें। बट सर आपको क्या लगता है ओपोनेंट पार्टी इतना क्यों इन्वॉल्व हो रही है सभी जगहों पे, अगर हम कलकत्ता की बात करें या फिर कहीं और? बेसिकली पॉलिटिक्स हर्ट्स सिनेमा और नो दैट्स इट, बिकॉज़ पॉलिटिक्स इज हर्टिंग सिनेमा। दोनों क्वेश्चन थोड़ा अलग है। नहीं मैं ये वो क्यों ऐसा कर रहे हैं उनका जवाब आपको उनसे मांगना चाहिए, मुझसे नहीं। नहीं मैं बता दूं कि हमारे क्या लगता है, आपको क्या लगता है? लेकिन मुझे क्या लगता है, मैं हाउ कैन आई प्रिडिक्ट के व्हाट आर द पॉलिटिकल पार्टीज थिंकिंग टुडे, वो तो उन्हीं को क्लैरिफाई करना पड़ेगा। अगर एक गवर्नमेंट ये डिसीजन ले रही है कि हम ये फिल्म को बैन करेंगे तो उन्हें बताना पड़ेगा कि क्यों उनको लगता है कि ये फिल्म बैन करनी चाहिए आफ्टर सुप्रीम कोर्ट हैज क्लियर द फिल्म, नन अदर देन सुप्रीम कोर्ट। तो इसका जवाब आप उनसे मांगिए, ये मेरी आपसे गुजारिश है। देखो अच्छा, फिल्म पद्मावत और रोता पंजाब भी विवाद में रही थी, लेकिन उस समय इंडस्ट्री बॉलीवुड ने इन फिल्मों को सपोर्ट किया था। बट जब कश्मीर फाइल्स आती है जैसे आपकी फिल्म आ गया, क्या बॉलीवुड की तरफ से आपको वो सपोर्ट जो जैसा पद्मावत और रोता पंजाब को मिला वो सपोर्ट मिला है? देखिए मेरे मैं खुद जितने भी मेरे सपोर्टर दोस्त यार जो भी हैं फिल्म इंडस्ट्री में, मैं खुद उनसे कहता हूँ कि आप इस विवाद में मत पड़िए, क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी लोगों को एक बॉलीवुड से कुछ तकलीफ है, तो जो भी इसको सपोर्ट करेगा फिर उनके साथ भी कुछ ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। मेरे बहुत मना करने के बावजूद विद्युत जामवाल ने मेरा ट्रेलर शेयर किया और मैंने मना किया था कि विद्युत मत करना, और उसके बाद विद्युत को बहुत ट्रोलिंग करना शुरू हुई, उतना ही प्यार भी मिला। लेकिन एक ट्रोल आर्मी है जो इस फिल्म को डैमेज करने की कोशिश कर रही है और ऑडियंस जो है वो उसका जवाब दिन ब दिन दे रही है। टिकट नहीं दी गई और दूसरा सर ये भी आरोप है कि ट्रेलर में बात कही गई थी 32,000 लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, जब लेकिन ट्रेलर मैम अभी फिल्म आ गई या ट्रेलर पे अटकी हुई है, मैंने इसका जवाब हम दे चुके हैं। लेट्स मूव ऑन। बिल्कुल एक सेकंड जैसे कि पश्चिम बंगाल में फिल्म पर बैन लगाने की बात हो रही है, ममता बनर्जी ने ये स्टेप उठाया है, आपको क्या लगता है कि जहां पर भी बीजेपी की सरकार नहीं है वहां उन सरकारों द्वारा टारगेट किया जा रहा है आपकी फिल्म को, ऐसा लगता है आपको? जहां जहां सरकार नहीं है बीजेपी की, अपोजिशन पार्टी है, वो सब चूंकि वो लोग नहीं देखे, इस देश में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है और वहां पे ये फिल्म बिना रोक टोक चल ही रही है। Forget everything else, केरला में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है और केरल में फिल्म चल रही है, तो राजस्थान में चल रही है, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ में चल रही है, कहां का टैक्स भी होने वाली है। हम कैसे बताएं कि कौन सी, हाँ लेकिन हमारी फिल्म मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री हुई है और उसके लिए हम शिवराज सिंह जी और उनकी गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं। ये लोगों को और प्रोत्साहित करेगा कि बड़े नंबरों में जाके लोग फिल्म देखें। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फिल्म को देखें। अब उसका जरिया टैक्स फ्री है या नहीं है ये हमारा विषय नहीं है, टैक्स फ्री होती है तो लोगों को अच्छा ही लगता है, एक सरकार की ओर से एक एंडोर्समेंट होता है कि आपकी फिल्म में कोई ऐसा गुण है, ताकि सरकार भी बोल रही है कि हम अपना टैक्स छोड़ के भी लोगों को बोलेंगे आप कम पैसों में जाके पिक्चर देखिए, वो बेनिफिट गवर्नमेंट भी उनको देना चाहती है। तो हमारी कोशिश तो ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स और नॉन बीजेपी स्टेट्स भी इसको टैक्स फ्री करें और लोगों को दिखाएं ये फिल्म। That is all that we want. सर आपकी बिल्कुल सिर्फ केरला पृष्ठभूमि है, लेकिन क्या देश के कई हिस्सों में हादसा हुआ है, क्या पार्टी बनाएंगे और लड़कियों की कहानी आपके पास आई रिसर्च के दौरान भी आपको भैया मैं अगर किसी और प्रांत की कहानी बनाऊंगा तो उसे केरला स्टोरी तो कह नहीं पाऊंगा। नहीं पार्टी की बात में तो देखिए हमने जो विषय रखना था वो लोगों के सामने आ गया,
अब क्या कोई ऐसी और कहानी है जो कुछ ऐसे नए पहलुओं पे ध्यान आकर्षित करती है, तब सोचेंगे, अदरवाइज ये कहानी एक पूरी तरीके से उस पूरे रैकेट को कम्प्लीटली एक्सपोज करती है, तो ये सब्जेक्ट अब लोगों के सामने आ सबसे आसान चीज होती है टाइमिंग को सवाल खड़ा करना। अब इस बार हम 3 साल पहले जब हमने फिल्म बनाना शुरू किया था, तब हमने थोड़ी ना सोचा था कि हम जब बनाएंगे तब कर्नाटका का इलेक्शन होगा और हम तब फिल्म को रिलीज करेंगे, तो ऐसा लॉजिक जोड़ना बेवकूफ़ी की बात है। दूसरी बात, इस देश में इस साल में 9 इलेक्शन है, अगले साल लोकसभा का इलेक्शन है, उसके बाद 3-4-5 स्टेट के और इलेक्शन आएंगे, फिर अभी यूपी का निकाय इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन तो इस देश में कभी रुकते ही नहीं है, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि ऐसी फिल्में कभी लाओ ही मत, क्योंकि आप जब ले आओगे तब लोग बोलेंगे कि टाइमिंग है। और टाइमिंग इम्पोर्टेंट है या मुद्दा इम्पोर्टेंट है, सवाल गहराई से सोचने का ये है कि मुद्दे पे ध्यान देते हैं, टाइमिंग और ये सब बहुत ही भटकाने वाले जो सवाल होते हैं उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए, इसका जवाब देने हम नहीं दे सकते, हमने एक मुद्दा देखा, हमने उठाया और अब ये मुद्दा देश के सामने है और इस पर बहुत डिबेट होगा, तो हर डिबेट के अंदर से कोई ना कोई हल निकलेगा। नहीं, आप लोगों की तरह हमारी जिम्मेदारी भी वैसे ही है, आप जैसे कोई मुद्दे को उठाते हैं उसको रिसर्च करते हैं और लोगों के सामने, सरकार के सामने मुद्दे रखते हैं। हम फिल्म मेकर का हालत भी वही है, हम भी रिसर्च करते हैं, स्टोरी बनाते हैं, फिल्म बना के उनको दे देते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, इसके ऊपर रिएक्ट करें। विपुल जी, आप क्या ममता बनर्जी, कृष्णा ने उन्होंने ऐसा क्लेम किया है, हमारे पास व्हाट्सएप चैट भी है, क्रेडिट एंड पैसा नहीं दिया गया लोगों को। उनको शुरू होने से पहले ही इस प्रोजेक्ट से अलग कर दिया गया था और उनका सारे पैसे भी उनको मिल चुके हैं और सब राइटिंग में है। इसका ओरिजिनल लेटर मैं हूँ, ये मेरी सब्जेक्ट है, उसको कुछ दिन के लिए लिया गया था लेकिन वो सब ठीक से काम नहीं कर पाए, 1.5 साल पहले उसको टर्मिनेट कर दिया। आपका मेन पर्पस क्या है, आप लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह कोई एक कंट्रोवर्सी बनाई जाए? नहीं सर, नहीं, क्योंकि हमारा ये पर्पस नहीं है। नहीं, आप जो सवाल पूछ रही हैं, ये आप ये पूछिए ना कि ये वीकेंड में इतने लोगों ने फिल्म देखी, हम उनके बारे में बात करते हैं। अभी तो सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ है, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के खिलाफ है जो धर्म के नाम पे लोगों को कंफ्यूज करके, चीट करके, कुछ जो वीकर वल्नरेबल सेक्शन है उनको एक लार्जर टेरर प्लान के हिस्सा बनाते हैं। हमारी फिल्म उनके लिए है, ये फिल्म कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, कोई स्टेट के खिलाफ नहीं है, कोई जियोग्राफिकल जोन के लिए नहीं है। सेम सवाल है, आपका टेक, मतलब सेम लास्ट, अब हम सवाल लेंगे दो और देन वी विल एंड इट। हमारी फिल्म, हमने 10 करोड़ बार कहा है, हम फिर कह देते हैं, किसी भी रिलीजन, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी कास्ट के अगेंस्ट हमारी फिल्म नहीं है, हमारी फिल्म टेररिज्म के अगेंस्ट है और उस पर हम पहले दिन से कायम है, आज भी कायम है। सो दिस मैटर शुड नाउ एंड। आप लोगों को भी ये सवाल बार बार नहीं पूछना चाहिए बिकॉज इट इज लाइक ट्राइंग टू इंस्टिगेट समथिंग व्हिच इज नॉट देयर। नहीं, और क्या है, बिल्कुल एक सवाल है ऐसा, एक पॉइंट क्या है कि हम लोग फिल्म मेकर है, आप फिल्म के बारे में बात करेंगे ना, मैं घंटों भर बात करूंगा, मतलब कुछ चले जाएंगे, मैं 3 घंटा 4 घंटा करूंगा। ये जो पॉलिटिकल सवाल है ना,
हम प्रिपेयर नहीं है पॉलिटिक्स, क्योंकि हम पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं गए थे। ये फिल्म तीन लड़की की कहानी है, एक लड़की जो अफगानिस्तान की जेल में है, एक लड़की जो खुदकुशी कर चुकी है, उनकी माँ बाप का इंटरव्यू हमने फिल्म की एंड में डाला, और एक लड़की जो अभी कहाँ है किसी को मालूम नहीं। ये तीनों लड़की की कहानी बोलने के लिए कोई पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तीनों लड़की रियल है। ये तीनों लड़की को हमने फैब्रिकेट नहीं किया, हमने टेस्टिमोनी डाला फिल्म में। इसके बाद जो आप लोगों के पॉलिटिकल सवाल है ना, दुख होता है इस बात की कि इस देश में लड़कियों का कीमत नहीं है, इस देश में पॉलिटिक्स का कीमत है। अगर दो चार बात करके सुदीप्तो जी ये शब्द बोले थे, वो शब्द नहीं बोले थे, मतलब कुछ और हिस्सा है, ये ऐसे नहीं होता है। सिनेमा का बीइंग अ फिल्म मेकर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू टॉक अबाउट द सिनेमा, टॉक अबाउट द कंटेंट ऑफ द फिल्म। आप बोलिए हमारी फिल्म की स्क्रिप्ट कैसा लगा, हमारी फिल्म की कैमरा कैसे लगा, घंटों भर बात करेंगे। प्रॉब्लम इंडिया का नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरे दुनिया का है। ये यूरोप से लड़कियां जा रही है, अब जाते थे आईसीस में, अमेरिका से जाते थे, यूके से जाते थे, वहां पे टेरर नेटवर्क अलग था, वहां पे एक गवर्नमेंट में अपोजिशन में सरकार में एक दूसरे से लड़ते नहीं थे, क्योंकि उनको मालूम था ये टेरर नेटवर्क एक कॉमन एनिमी है उस पर्टिकुलर देश के लिए। हमारी देश की दुर्भाग्य ये है कि अगर मैं गरीब को रोटी खिलाने जाऊं तो और बोलेगा जरूर इसका कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन है, गरीब को क्यों रोटी खिलाना। मैं टेररिज्म के खिलाफ बात कर रहा हूं, उसमें अगर आपने आपको कोई कोई पॉलिटिक्स दिखे तो एज अ फिल्म मेकर माय आंसर विल बी नो कमेंट्स। हमारा काम फिल्म बनाना है, पॉलिटिशियंस को अपना पॉलिटिक्स करना है, लेट्स लीव द बोथ ऑफ देम सेपरेट। आई डोंट वांट टू इवन कमेंट ऑन इट बिकॉज आई फील के पॉलिटिक्स जितना भी जिसको पॉलिटिक्स करना है वो उनका हक है, वो करे। फाइनल जवाब हमेशा सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस देती है जो दे रही है। बिल्कुल जी, एक फिल्म मेकर है मराठी केदार शिंदे, उनका कहना है कि बीजेपी जो है महाराष्ट्र में फ्री में द केरल स्टोरी बहुत लोगों को दिखा रही है। आज भी एक मलयालमी शो रखा गया है, जबकि मराठी में एक फिल्म आई है महाराष्ट्र शहीद, नेताओं को उसके बारे में याद नहीं है, तो यहाँ भी उसको भी लेकर पॉलिटिक्स की बात की जा रही है। I don't want to comment on somebody's comment. मैं हर comment के ऊपर comment करूँगा तो तीन साल तो सिर्फ comment पे comment चलेगा। So I don't think I want to comment. Thank you. Thank you. Thank you.